सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, कैसे आप लोग। और स्वागत करता हूं मैं आपका एक अनदर वीडियो में। गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछली बार कि हमने जो है एक नया सर्वर ज्वाइन किया है, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं इस वाले सर्वर में गाइस फिर से खेलने वाले हैं। तो चलिए मैं बताता हूं, ये सर्वर जो है फुल्ली वाइप्ड है। आई मीन इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। आई मीन एक तरह समझ लीजिए आप लोगों का गेम एकदम स्मूथली चलने वाला है, क्योंकि जितना ज़्यादा वाइप सर्वर होता है, कम स्ट्रक्चर होता है, उतना ज़्यादा खेलने में मज़ा आता है गाइस। तो चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम लोग आज कैसे इस सर्वर में खेल सकते हैं। आई मीन आप लोग जब कोई नया सर्वर स्टार्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो या फिर ऑफिशियल हो या फिर अनऑफिशियल हो, तो कैसे आप लोग अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी बताऊंगा, साथ साथ हम लोग कुछ और भी चीज़ें करेंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस कि हमारा जो पैराशूट होने वाला आज जो है डायलो हंट होगा जो भी कह लें। तो अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक बो बनाऊंगा और कुछ एरोज बनाऊंगा, ताकि हमें जो गाइस एसेंडेंट जो है वो मिल सके काफी अच्छे खासे डैमेज वाला। तो चलिए जल्दी से मैं बना लेता हूँ। गाइस जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि डेप्लस और रन करने के लिए आपको डायरेक्ट क्या करना है, मैं सिंपली तरीके से बताता हूँ। देखिए अभी फिलहाल के लिए आपको जस्ट लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ टैप करना है, आई मीन जिससे हम लोग अपनी इन्वेंटरी खोल सकते हैं यहाँ पे ऐसे की तरफ। और आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग लेवल अप करेंगे खुद को, तो यहाँ पे एक आता है डेप्लस और हंट करके पैराशूट, यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर पे हमारा दिखा रहा है। इसको क्या करना है, इस पर एक बार टैप करना है, आई मीन सिंपली क्लिक करना है और स्टार्ट पे टैप कर देना है। जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे आपका पैराशूट एक्टिवेट हो जाएगा गाइस, और इस पैराशूट को एक्टिवेट होते ही आपको ये बोलेगा कि रेडी योर बो, आई मीन जो आपने बो क्राफ्ट किया है उसको रेडी करिए इस तरीके से। और यहाँ पे आपको कुछ मात्रा में एरोज भी क्राफ्ट करने के लिए दे देगा। तो यहाँ फिलहाल के लिए मैंने सब कुछ क्राफ्ट कर दिया है, और अब ये बोल रहा फाइंड डेप्लोसोर्स। तो डेप्लोसोर्स को फाइंड करने के लिए आपको इस तरीके से अपना मैप ओपन करना पड़ेगा, और जैसे ही मैप ओपन कर देंगे आप लोगों को सामने की तरफ जहाँ पे डेप्लोसोर रहेगा आपको सामने दिख जाएगा। तो अब क्या करना है, आपको सिंपली डेप्लोसोर को मारना है। तो मैं अभी फिलहाल के लिए स्विच कर लेता हूँ एफटीपी में, और इस डेप्लोसोर को मैं मारता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 170 लेवल का था, एक हिट में मर गया। आई मीन इसकी एचपी लो रही होगी या फिर मैंने गलत जगह मार दिया। आई मीन सॉरी गाइस, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मैंने डोडो को मार के मुझे लगा डेप्लोसोर को मैंने मार दिया। और थोड़ा सा संभालना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि डेप्लोसोर जो है आप लोगों को हिट देंगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा ईजी मर जाएंगे। और यहाँ पे फाइनली जो गाइस मैंने मार दिया इसको। तो यहाँ पे अभी फिलहाल मेरा लैग वगैरह अभी नहीं हो रहा, आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे सर्वर जो है काफ़ी ज़्यादा आई मीन एक तरह से कह लें कि वाइब्ड है इसलिए, और मुझे वहाँ सामने ड्रॉप दिख रहा है। बट ड्रॉप लूटने जाऊँगा तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस बाई टेक हो सकती है, आई मीन हो सकता है कि हम लोग मर जाएं, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। और अभी फिलहाल के लिए आपको ये दिख रहा होगा कि हमारा जो दूसरा सर्कल बन चुका है, तो आप लोग कैसे ट्रैक करेंगे कि डेप्लोसोर किधर है। तो गाइस आपको क्या करना पड़ता है, सर्कल के सेंटर में जाना पड़ता है जी। हाँ गाइस, आप लोग जो बिल्कुल सर्कल के सेंटर में जाएंगे ना, तो आप लोगों को ईजी मिल जाएगा जो भी चीज़ आप लोग सर्च कर रहे हैं उस वो। देखिए ये पैराशूट एक्टिवेट करते ही अभी जैसे पास में जा रहा बफरिंग जो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है, शायद आप लोगों को दिख रही होगी ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में कॉर्नर में बफरिंग तेज हो गई, और सामने देखिए मुझे एक डेप्लोसोर दिख भी गया। सो अभी हमें इसे मारना है, तो आप लोगों को थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करनी है। अगर आप लोग हेडशॉट मारते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से मर जाएगा। अगर 55 का डैमेज आपके बो का, तो ये करीब करीब 100 का डैमेज दे देगा गाइस। अगर आप लोग हेडशॉट नहीं मारेंगे तो फिर डैमेज जो है काफ़ी ज़्यादा लो जाएगा, आई मीन 55 का है तो शायद 55 ही जाए या फिर उससे भी कम जाए। सो अभी देखिए, और इसको मैं भी मार दूंगा, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए 86 एचपी अगर हेडशॉट लगा तो एक ही वो में मर जाएगा, आई मीन एक ही एरोज में मर जाएगा, और हेडशॉट नहीं लगा गाइस ये देखिए, और अब मर जाएगा ये, क्योंकि नहीं भी लगेगा हेडशॉट तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मुझे कितने सारे एरोज मारनी पड़ गई आप लोगों ने जस्ट अभी देखा। और लेट गाइस, तो अभी क्या करना है, हमें लास्ट वन मारना है, ताकि हमारा जो एसेंडेंट वो है मिल सके बहुत ही ईजी, और हमारा जो फ्रेश स्टार्ट है बिल्कुल आगे पॉइंट पे जा सके। तो इसके बाद मैं आपको कुछ और ट्रिक बताऊंगा गाइस, जिससे आप लोग जो है एरोज वगैरह फॉर्म कर सकते हैं, आप लोगों को एरोज वगैरह फॉर्म करने में ईजी हो जाएगी, आई मीन टॉर्क एरोज भी फॉर्म कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो दो डेप्लोस हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसको इसमें से किसी एक को मारना है और फिर उसके बाद भग जाना है, क्योंकि आप लोगों को काम का एरोज वगैरह बर्बाद करने की जरूरत नहीं गाइस। तो मैं इसको जल्दी से मार देता हूँ, दो हिट दे दिया मैंने आपको दिख रहा होगा, और ये लास्ट हिट है, और इतने में इसे मर जाना चाहिए। चलिए, और फाइनली जो है यहाँ पे मैंने इसको मार दिया, और हमारा जो पैराशूट है 3 हंट का कंप्लीट हो चुका है। अभी ये रिवॉर्ड भी हमारा आ गया, ये देखिए ये हमारा रिवॉर्ड है। अभी हमें क्या करना है, इसे देखना पड़ेगा कि इसकी जो गाइस ड्यूरेबिलिटी डैमेज सब कुछ कितना है। तो चलिए मैं जल्दी से देख लेता हूँ कि इसका सब कुछ कितना आ रखा है।
तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये हमारा बो है, तो इसका डैमेज देखिए 247 गाइस, और इसका ये देखिए कि इंसिडेंट बो है, और इसका ड्यूरेबिलिटी जो है गाइस 417 है, आई मीन एक तरह से समझ लीजिए बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी कंपेयर टू दी ये वाला जो हमने जस्ट बना रखा है। इसकी ड्यूरेबिलिटी 50 है, इसकी ड्यूरेबिलिटी 417 है, इसका डैमेज 55 है, इसका डैमेज गाइस 247 है। तो ये अच्छा हुआ कि नहीं गाइस इंसिडेंट वाला, अगर आप लोग जो है स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग में ही आपको भले से ही वुडन बो ही मिल जाए, आई मीन वुडन ब्रो ही मिल जाए इंसिडेंट का, तो कितना ज़्यादा ईजी हो जाएगा आप लोगों को खेलना। तो इसको क्या करता हूँ मैं अभी ड्रॉप कर देता हूँ और एसिडेंट वाले को लगा लेता हूँ अपनी इन्वेंट्री में। ऑल राइट गाइज, तो ये देखिए हमारा एसिडेंट वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, और आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली अपडेट जो है गाइज आप बिल्कुल मिस नहीं कर दें, और मैं कोशिश करूँगा आपको आज से रेगुलर वीडियोज लाने के लिए मल्टीप्लेयर की सीरीज़ में।